एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस वीडियो में हम ये फ्लावर ज्वेलरी बनाना सीखेंगे। और यहाँ पर मैंने सारा मटेरियल लिया है, तो यहाँ पर मैंने फॉर्म शीट ली है और यहाँ पर मैंने फॉर्म फ्लावर्स भी लिए हैं, फॉर्म फ्लावर्स येलो कलर के। और यहाँ पर मैंने गोल्डन चैन ली है, गोल्डन चैन, कर्व चैन। और यहाँ पर मैंने आई पिन ली है, घुंघरू लिया है, एंड हुक लिया है। और यहाँ पर मैंने कैप ली है और पर्ल लिए हैं, यहाँ पर मैंने वाइट कलर के और पर्ल चैन ली है। और सबसे पहले ये जो फॉर्म शीट है, यहाँ पर हम सर्कल बना देंगे इस कैप से। और ये जो सर्कल हमने बना दिया है, हम इसको कट कर देंगे। और हम इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद ये जो चेन है, और सेम साइज का मैं एक और यहाँ पर कट कर लूँगी। इसके बाद जो पर्ल चेन है, इस पर्ल चेन को मैंने सारे बराबर साइज में कट किया है। आप चाहे तो पर्ल चेन की जगह पर, अगर आपके पास ये चेन नहीं है, तो आप इसमें जो पर्ल है वाइट कलर के, आप ऐसे पर्ल को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर हिट पिन को ऐड कर आई पिन को ऐड कर आप इसे चेन भी बना सकते हैं। मतलब आई पिन से कनेक्ट करके सारे मोती को, अलग अलग मोती को, इसको आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने पर्ल चेन ली है रेडीमेड, तो यहाँ पर मैं पर्ल चेन लूँगी 6, 3 हम दोनों साइड में लगाएंगे, 3-3। तो यहाँ पर मैं 6 यूज़ करूँगी। और यहाँ पर मैंने सारे जंप रिंग भी लिए, तो सबसे पहले जो जंप रिंग है, इन सबको मैं, ये सारी जो चेन है पर्ल चेन, इसमें लगा दूँगी। आप चाहे तो इसमें सिंपल चेन का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और इसी तरह से ये जो सारे चेन है, इन सबको मैं रेडी कर दूँगी। और यहाँ पर मैंने चेन को रेडी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने सारी आई पिंस भी ली है, तो सबसे पहले जो आई पिन है, आई पिन का जो मुँह है, उसको ओपन कर उसमें मैं पर्ल चेन को भी डाल दूँगी। और इसी तरह से बाकी की जो चेन है, उनको भी हम इसी तरह से रेडी कर देंगे विथ आई पिन। और देखिए, यहाँ पर मैंने सारी आई पिंस को लगा दिया है। इसके बाद हम 3-3 चेन को अलग करेंगे। और यहाँ पर जो जंप रिंग मैंने इनमें लगाई थी, तो इन जंप रिंग्स में मैं एक और जंप रिंग को भी इसमें ऐड कर दूँगी। इसी तरह से इन सारी जो तीनों चेन हैं, इन तीनों चेन को मैं एक ही जंप रिंग में ऐड कर दूँगी। और इसी के साथ जो हमने चेन ली थी गोल्डन कलर की, कर्व चेन, उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि वो चेन मैंने इसलिए यूज़ किए हैं ताकि जो हमारा नेकलेस है वो एडजस्टेबल हो जाए, उसमें एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे गैप होते हैं, उसमें हम एंड हुक को लगा सकते हैं। इसलिए मैं ये वाली चेन को इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसी तरह से मैं इन तीनों चेन को भी एक ही जंप रिंग में ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर हमने जो आई पिन लिया है, घुंघरू लिया है, तो आई पिन में मैं घुंघरू को लगा दूंगी। और इसका मुंह ओपन कर देंगे हम, और इसमें इसमें मैं घुंघरू को भी लगा दूंगी। एंड जंप रिंग को हम, आई पिन को हम बंद कर देंगे। इसी तरह से मैंने इन सारे घुंघरू को भी रेडी किया है विथ आई पिन। और जो एंड हुक है, एंड हुक को भी हम, ये जो चेन हम रेडी की थी, इसमें मैं लगा दूंगी लास्ट में। और अभी जो फॉर्म शीट है, यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी। और आप चाहें तो इसमें अदर ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पर जो चेन है, इनको मैं रख दूँगी अलग अलग। और तो यहाँ पर मैं ग्लू गन लूँगी, और यहाँ पर मैं ग्लू को लगा दूँगी इसके ऊपर, और बीच में फ्लावर को लगा दूँगी, और इसके आस पास जो फ्लावर है, इनको भी लगा दूँगी ग्लू गन से, इनको मैं चिपका दूंगी इसमें। और इन
सारे फ्लावर्स को चिपकाने के बाद मैं यहाँ पर पर्ल लूँगी और इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाकर हम इस पे पर्ल को भी ऐड कर देंगे। पर्ल लगाना ऑप्शनल है, अगर आपको डेकोरेटिव बनाना है ज्वेलरी को तो आप इस पे पर्ल को इस तरह से चिपका सकते हैं, और या फिर आपको नहीं करना है हैवी तो आप इस पे पर्ल मत चिपकाइए, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा बिना पर्ल के भी। एंड जो बीच में फ्लावर है इसके बीच में मैं थोड़ा ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पर भी हम इसमें पर्ल को लगा देंगे। एंड पर्ल लगाने के बाद इसका जो बेक वाला पार्ट है तो यहाँ पर हम ग्लू गन लगाएंगे, मतलब ग्लू को लगाएंगे, और ये जो घुंघरू है घुंघरू को हम लगा देंगे। बट इससे पहले ये जो आई पिंस है इन आई पिन को मैं इसमें लगा दूंगी, मतलब ये जो पर्ल चेन है पहले हम पर्ल चेन को लगा देंगे। इसमें आसपास तीन इधर लगाऊंगी और बीच में हम ये सारे घुंघरू को लगाएंगे। और इसके बीच में हम ग्लू लगाएंगे और ये जो घुंघरू हम रेडी किए थे आई पिन के साथ तो हम इन आई पिंस को भी इसमें लगा देंगे। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड या फिर फ्लावर ज्वेलरी की वीडियोस और देखनी है तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब के लिए जो प्रेस बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अपने वीडियोज़ जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। और सब्सक्राइब आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, उसमें कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना होगा, बिल्कुल फ्री उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेरी वीडियो के आप नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने अपने अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए हमने इसके बैक वाले पार्ट पर भी रबर शीट को चिपका दिया है, और इसी तरह से हमारा जो नेकलेस है वो पूरा रेडी हो गया है। और मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस और अपलोड की है, मतलब इसके सारे पार्ट्स तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी सारी वीडियोस, इसकी ईयरिंग, ब्रेसलेट और टीका, हेयर एसेसरीज और एंकलेट्स, नोज रिंग सब कुछ मैंने इसमें अपलोड किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। एंड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।